आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी का पराठा। इससे पहले हम बनाए थे पनीर पराठा, मूली पराठा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने आटा को लगा लेते, उसमें थोड़ा नमक ले लिए। आटा आप अपने हिसाब से लीजिएगा, आपको कितना क्वांटिटी में बनाना है। मैंने 300 ग्राम जितना लिया है। और इसको हम पानी का साथ में अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और आटा जो है ना ज़्यादा टाइट रखना है, ना ज़्यादा नरम रखना है, मीडियम में रखना है, ताकि जो पराठा है स्टफिंग करने का टाइम में फटे नहीं। तो इसको हम फिर हम तेल थोड़ा सा लेके, या तो आप घी भी यूज कर सकते हैं, मैंने तेल यूज किया है। और फिर हम इसको तेल का साथ में थोड़ा देर मालिश करके हम रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। और फिर हम जो गोभी है इसको हम इस तरह से ग्रेट कर लेते हैं। और क्योंकि जो इसमें ग्रेट करने से ही अच्छा होगा, तो इस तरह से जो ग्रेट करने के बाद में हम इसको जो पानी है उसका जो भी है हम निचोड़ के ले लेते हैं। तो जो पराठा का जो होता है वो पानी नहीं छूटेगा। तो इसमें थोड़ा सा ले लिए हम कटे हुए अदरक और एक प्याज कटे हुए, दो हरी मिर्च, आधा टमाटर चॉप में ले लिए है। और फिर हम थोड़ा सा हरा धनिया ले लिए इसमें। और फिर हम ले लेंगे एक टीस्पून चाट मसाला, एक टीस्पून धनिया पाउडर और एक टीस्पून मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा ले लिए हल्दी पाउडर आधा टीस्पून जितना। नमक हम बाद में यूज करेंगे जब हम बनाने वाले तब। तो अभी हम बना रहे तो इसको हम अब नमक ले लिए, क्योंकि पहले नमक लेने से ये होगा कि मसाला में तुरंत पानी छूट जाएगा। तो अब ये हो चुका है। तो अब हम इस तरह से पराठा का पेड़ा बना लेते। आज हम बनाने जा रहे 3 पराठा गोभी का पराठा। आप चाहो जितना भी बना सकते हैं, मैंने खाली 3 पराठा ही बनाना है। तो इस तरह से पेड़ा ले लेना है और इस तरह से अच्छी तरह से घुमा के टाइट कर, एकदम टाइट पेड़ा बनाना है। और इस तरह से हम आटा लगा लगा के इसको हम ज़्यादा नहीं बेलना है, थोड़ा सा जितना स्टॉपिंग हो सके उस हिसाब से। तब हो चुका है। तो इसमें हम ले लेते हैं अब गोभी का मसाला। बहुत सारे आदमी गोभी को थोड़ा हाफ बॉयल करके भी बनाता है, मैं डायरेक्ट कच्चा बना रहा हूँ। जो कच्चा गोभी का जो टेस्ट होता है वो बहुत शानदार सा होता है। तो इस तरह से हम फोल्ड करने में इस तरह से यूज करेंगे दोनों उंगली का, और मतलब पूरा दोनों हाथों से इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब चाहो तो इसको हाथ से इस तरह से थोड़ा सा चौड़ा कर सकते हैं, ताकि बेलने में आसान हो। नहीं तो क्या होता है, बहुत सारे आदमी को या इसमें फटने का चांसेस ज़्यादा होता है, मसाला निकल जाता है, फिर वो बेकार हो जाता है। तो देख सकते हैं इस तरह से बेलना है, जितना बड़ा छोटा करना है आपका हिसाब से, पतला। या तो आप ये वीडियो को फॉलो करके आप देख देख के बना सकते हैं। तो देख सकते हैं फटा नहीं, थोड़ा बहुत वो इस तरह से पराठा में दिखेगा ही। तो अब हम इसको सेक लेते हैं। मैं एक पराठा आपको अच्छी तरह से सेक के बताऊंगा, बाकी आप उसी हिसाब से सारे पराठा को बनाना है। तो आप चाहे तो घी यूज कर सकते हैं, या तो रिफाइन यूज कर सकते हैं। मैं यूज कर रहा हूँ बटर, क्योंकि पराठा में बटर ही अच्छा लगता है। और इस तरफ भी हम बटर लेके सारा पूरा पराठा में अप्लाई करके दोनों तरफ हम सेक लेते हैं। सेकना है एकदम अच्छी तरह से पक जाए, इसी हिसाब से। देख सकते हो पराठा का जो लुक है एकदम शानदार सा आया है। तो अब ये पराठा हो चुका है, तीनों पराठा मैंने बना लिया है। अब हम इसको कट कर लेते हैं इस तरह से, या तो 1/2 कर सकते हैं, या तो आप एक पराठा का 4 पीस कर सकते हैं। मैंने खाली 2 पीस ही किया है। तो अब ये पराठा बन के रेडी हो चुका है। इसका साथ में आप दही ले सकते हैं, या तो आप ऊपर से बटर लगा के भी खा सकते हैं। बहुत सारे आदमी केचप भी ले सकते हैं, या तो आप सूखी भाजी बना सकते हैं। मैं खाली आपको पराठा बना के बताया। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करके ज़रूर बताइएगा कि आपको पराठा कैसा लगा। और इसी चैनल पे और भी पराठा ब्रेकफास्ट का मेनू बनाए हैं, तो ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो चलिए, धन्यवाद।